कनाडा के टोरंटो में भीषण सड़क हादसा, 13 भारतीय छात्रों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नितिन गडकरी से की मुलाकात, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी करेंगे भेंट। यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने की तैयारी तेज हुई। मेघावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा भी जल्द पूरा करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में लापरवाही और धांधली करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर जल्द गिरेगी सरकार की गाज। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए। अयोध्या में आज रंगभरी एकादशी से होली का रंग शुरू हुआ, साधु संतों ने खेली होली। कर्नाटक में 2 वर्ष बाद पिछले 24 घंटों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला। अनुपम खेर की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने 3 दिनों में रिकॉर्ड 25.5 करोड़ रुपए की कमाई किया। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन आर्मी बेस पर रूस का मिसाइल से बड़ा हमला हुआ जिसमें 180 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। मलेशिया और फिलीपींस में भूकंप के झटके, 6.8 रिक्टर की तीव्रता मापी गई। आज जंग के बीच एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की संभावना है।